नमस्कार, रात के 9 बज गए हैं। समय है भारत एट 9 का। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। कानपुर में बीते साल विकास दुबे ने जितनी गदर काटी, बिहार के 90 के दशक की याद दिला गया। लेकिन वो इतना बड़ा कांड सिर्फ इसलिए कर सका क्योंकि उसके अपराधों पर नेताओं ने पर्दा तो छोड़िए जमकर चादर डाली, और वो चादर आखिर में 8 पुलिस वालों के लिए कफन साबित। लेकिन ऐसे नेता ना तो सबक लेते हैं, ना ही कानून से डरते हैं। सरकार है तो करो, जमकर करो, नून रोटी खाओ, किसी को भी कुटवाओ। गूगल पर नेताओं की गुंडई डालो तो इतनी खबरें आ जाती हैं जैसे मीठे को देखकर चीटी आ जाती है। खबर बताऊं तो कानपुर से है। दिन था 2 जून, बुधवार यानी कल। दोपहर का 2:30 बज रहा था, सूरज सर पर था और पुलिस की जीप कानपुर शहर के एक कार्यक्रम में एक हिस्ट्री शीटर आया हुआ था। हिस्ट्री शीटर मतलब आदतन अपराध। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह को पकड़ भी लिया, उठाकर जीप में ठूस भी लिया, लेकिन तब तक आ गए उसके चाहने वाले। अपराधी नहीं कहलाते क्योंकि नेता का लिबास पहने। दरअसल 2 जून की दोपहर पुलिस को खबर लगी कि मनोज सिंह शहर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में पार्टी कर रहा। कोरोना काल में भी यहां के उस्मानपुर में एक निजी गेस्ट हाउस में पार्टी चल रही थी। इसे कहते हैं सत्ता की मलाई। पता है क्यों? क्योंकि पार्टी भाजपा के दक्षिण जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया के जन्मदिन की। इसी पार्टी में हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह भी पहुंचा। पार्टी शबाब पर थी कि पुलिस ने रंग में भंग डाल दिया। पार्टी में मौजूद अपराधी मनोज सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया और साथ लेकर जाने लगी। पुलिस उसे पार्टी हॉल से बाहर ले आई, अपनी जीप पर बैठा लिया। तभी बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया की एंट्री हुई। भदौरिया अपने समर्थकों के साथ टमटमाते हुए वहां आ गए। लोगों की भीड़ ने पुलिस जीप को चारों ओर से घेर लिया, पुलिस वालों के साथ बहस करने लगे। वो लोग मनोज सिंह को छोड़ने की मांग कर रहे हैं। पुलिस बिना प्रैक्टिस के थी, मतलब अब पुलिस ट्रेनिंग में इस चीज को जरूर सीखे और उनकी ट्रेनिंग में इस चीज को जरूर बताया जाए। ये मेरा पर्सनल सुझाव है कि नेता अपराधी को अगर छुड़ाने आए तो उनका भी स्वागत सत्कार किया जाए या नहीं, ये गाइडबुक में लिख ली। तो भीड़ में शामिल बीजेपी नेता और उनके समर्थकों ने हाईवे पर हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश करने लगी लेकिन लोग भड़क गए और पुलिस से ही भिड़ गए, धक्का मुक्की होने लगी। इसी बीच लोगों ने जीप में बैठे हिस्ट्री शीटर को उतार कर वहां से भगा दिया। भीड़ के आगे पुलिस वाले बेबस और लाचार नजर आ रहे। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ये सारा ड्रामा हो रहा था मेन रोड पर, सड़क के बीचों बीच। नेता, पुलिस, अपराधी एक जगह इकट्ठे थे, तो क्या कानून, क्या कोरोना, पकड़ लिया होगा कोई कोना। आप पूरा वीडियो देखिए फिर आगे बात करते। वीडियो में फिलहाल कुछ नया नहीं, कोई भी पार्टी रही हो ऐसे वीडियो आते रहे। और बाकी ये उत्तर प्रदेश, नेता बनने की पहली सीढ़ी को गुंडई के नाम से सजाया जाता है। बड़े नेताओं को भी ऐसे कार्यक्रम और ऐसे कार्यकर्ता और सहयोगी खूब भाते। फिलहाल ये जो बाजू वाली खिड़की है, इस पर जो शख्स है वो मनोज है जिसे छुड़ाकर भगाया गया है। ये कितना पोटेंशियल क्रिमिनल है इसके अपराधों से अंदाजा लगाए। इस पर हत्या के प्रयास, लूट और बलात्कार जैसे 34 संगीन मामले दर्ज हैं। यह व्यक्ति बर्रा थाने के टॉप 10 अपराधियों में से है और जो नेताजी इनके दोस्त हैं जिन्होंने इनकी सरकारी बारात रुकवाई थी वो खुद अपराधी। भाजपा नेता नारायण सिंह भदौरिया का आपराधिक इतिहास है। नारायण सिंह के खिलाफ IPC की धारा 307, 308 जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लखनऊ की CGM कोर्ट ने कुर्की का आदेश तक जारी कर रखा। नारायण सिंह 2017 में लखनऊ में हुए जानलेवा हमले के एक मामले में भी आरोपी। फिलहाल वहां से खाली हाथ और खाली जीप लेकर वापस लौटी पुलिस अब वीडियो के आधार पर थाने में बैठकर अपराधियों की पहचान कर रही।
पुलिस ने कहा है कि मनोज सिंह और उसके साथी जो उसको लेकर भागे हैं सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बाकियों की पहचान के लिए पुलिस ने लोगों से मदद मांगी। पुलिस उपायुक्त दक्षिण जोन रवीना त्यागी ने सार्वजनिक अपील करते हुए कहा है कि स्क्रॉल में आप समझिए, वांछित और इनामी अपराधी मनोज को पुलिस कस्टडी से छुड़ाए जाने के प्रकरण में पुलिस को कई वीडियो मिले हैं। इनमें से 7 अभियुक्तों की पहचान कर चिन्हित कर लिया गया है। बाकी अभियुक्तों के फोटो जारी किए जा रहे हैं। यदि किसी को इनके बारे में कोई जानकारी हो तो इन नंबरों पर सूचना दें। नंबर है 9454401458। दूसरा नंबर है 9454403741। घटना ये थी, संगीन थी, फिल्मी थी। नेता की पार्टी में अपराधी और फिर पहुंची पुलिस और फिर नेता अपराधी को लेकर टाटा बाय बाय। लेकिन नेता में इतनी ताकत आती कहां से कि वो पुलिस के हाथों से अपराधी को खींच ले जाए? इसका जवाब है पहली और दूसरी FIR। पहले जो FIR लिखी गई, ये जो मेरे हाथ में, इसमें उस नेता का नाम ही नहीं था जिसकी पार्टी से इस अपराधी को गिरफ्तार करने पुलिस गई। और पुलिस ने जो फुटेज जारी किया है उसमें भी ये जनाब नारायण सिंह भदौरिया कहीं नहीं। खैर, वीडियो वायरल हो गया है तो काहे क्या छुपाएं क्या, पुलिस ने नारायण सिंह भदौरिया का नाम FIR में दर्ज कर दिया। लेकिन एक और कलाकार है, मतलब जितने चंगू मंगू थे उनकी फोटो लगा दी गई, ढूंढा ढाड़ी चल रही है। लेकिन फिर भी भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवबीर सिंह भदौरिया को पुलिस नहीं पहचान पा रही। हमने पहचान लिया है, बाजू वाली खिड़की पर दिखाई दे रहे होंगे। ये भी गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह ही गैंग्स ऑफ कानपुर के ही मेंबर हैं और दिख भी रहे हैं। लेकिन FIR में पता नहीं क्यों इनका नाम नहीं लिखा, पता नहीं क्यों नहीं लिखा जा रहा है। पेन में स्याही खत्म हो गई या क्या हुआ? तो पुलिस अधिकारी को भी सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं या क्या बता रहे हैं। जो भी कह रहे हैं बता रहे हैं, सुन लीजिए, वीडियो चलाइएगा जरा। पूरे घटनाक्रम में थाना नौबस्ता पर उस मुजरिम के खिलाफ जिसको पकड़ने गई थी हमारी टीम और उसके जितने साथी थे उनमें कुछ नामजद भी हैं और बाकी अज्ञात हैं। जितने लोग उसमें शामिल थे उनके खिलाफ उचित धाराओं में अभी पंजीकृत कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें हमने बना दी हैं और मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी गिरफ्तार भी होंगे और अग्रिम कार्रवाई उनके। तो बाकी अधिकारी साहब ने वीडियो जारी किया है तो नेताजी नारायण सिंह भदौरिया ने भी वीडियो जारी कर दिया। उनका कहना है कि पुलिस सादी वर्दी में आई थी और जो जीप आई उसमें भी कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। इसे लगा कि मनोज सिंह का कोई विरोधी उनका अपहरण कर रहा। मैं बाहर निकल के आया तो मारुति सिलेरियो गाड़ी UP 16 नंबर था जिसका, वो उसमें 4 लोग जबरन एक लड़के को डाल रहे थे। हमने जाके उनसे पूछा कि क्या क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि मैं पुलिस, तो मैंने कहा अपना आईडी कार्ड दिखाइए। तो उन्होंने कोई आईडी कार्ड नहीं दिखाया और पिस्टल निकाल कर उस लड़के के लगा दी और नवस्था थाने, तभी नवस्था थाने की जीप आ गई जिसमें भी कोई अधिकारी नहीं था और वही लोग उस लड़के को जीप में डालने लगे। तो हमने कहा इसका वारंट है, कोई बात है, क्या है क्या नहीं। तभी वो लड़का चिल्ला के बोला कि मेरा संदीप ठाकुर से एक हिस्ट्री सीटर है, संदीप ठाकुर बर्रा थाने का, उससे विवाद है और ये लोग उसी के लोग हैं। तो मैंने कहा कि आप इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात कराइए या किसी जिम्मेदार अधिकारी से बात कराइए और इसको ले जाइए, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं। चलिए ठीक है, दोनों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन सोच, जब कोई आम आदमी इस तरह की वीडियो देखता होगा तो सोचता होगा कि ये वही पुलिस है जो उन्हें चलते फिरते रपटिया देती है, ये वही पुलिस वाले हैं जो लाठी चलाने से पहले आंख नहीं झपकाते। लेकिन ये नेता के सामने भीगी बिल्ली है और नेताजी जो दिन रात समाज सेवा का झोला पकड़े रहते हैं उसके अंदर समाज सेवा नहीं स्वयं सेवा है। तो नेता पुलिस अपराध के पीछे का किरदार कौन है, कौन है जो कानून से भी आगे खड़ा है? तो वो है हम और आप। आप पूछेंगे कैसे? तो भैया, क्योंकि कभी राम के नाम पर, कभी रहीम के नाम पर, कभी कब्रिस्तान के नाम पर, कभी शमशान के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी बिरादरी के नाम पर, कभी अगड़ा के नाम पर तो कभी पिछड़ा के नाम पर, कभी फलाने का भतीजा, कभी फलाने के जीजा के नाम पर, कभी सरनेम के नाम पर तो कभी फेम के नाम पर, यही तो राजनीति है। बस इतनी इसकी मियाद है, इन्हीं नामों से शुरू, इन्हीं नामों से खत्म।
अपराधी अपराध करते रहेंगे, शरीफ लोग लुटते रहेंगे, अब खाना पानी को तरसते रहेंगे, यही तो किया है हमने आपने। फिर कहते हैं इस पार्टी के नेता की गुंडई, उस पार्टी के नेता की गुंडई, इस सरकार में ये नहीं मिला, उस सरकार में वो नहीं मिला, इस सरकार में ये घोटाला, उस सरकार में वो घोटाला। कभी संविधान में पढ़ लेंगे कि क्या क्या अधिकार हमें, आपको, आपके पड़ोसी को और मौसी को मिले हैं, तो जमीन खिसक जाएगी पैरों के नीचे से। संविधान में बाबा साहब इतना कुछ देकर गए हैं, इतना कुछ लिख कर गए हैं कि खुद भी खुशी खुशी चार रोटी खाओ और पड़ोसी भी खाए। पत्रकार समाज का प्रहरी है, नेता जनसेवा के लिए, पुलिस भी जनता की सेवा के लिए है, लेकिन कोई कुछ नहीं, सब मेवा खा रहे हैं। कल एक बार फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने आऊंगा। भारत एट नाइन को ऐसे ही देखते रहिएगा, साथ ही साथ न्यूज वर्ल्ड इंडिया में बाकी तमाम खबरें भी लगातार देखते रहिएगा। कल एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।